नमस्कार मित्रों, सबसे पहले आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जो मैंने आज प्रश्न लिए हैं, ये सभी प्रश्न पहले किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। ग्लेशियर से संबंधी मैं आपको जो भी तथ्य बताऊँगा उनके आप नोट्स बना सकते हैं, ताकि आपको परीक्षा के दौरान रिवाइज करने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इसके साथ हम आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आप सामने ये रहा। आज के पहले प्रश्न को पढ़ने से पहले हमें ग्लेशियर की परिभाषा को समझना चाहिए। ग्लेशियर को हिंदी में हिमनद कहा जाता है। हिमनद शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम और नद। हिम का मतलब होता है बर्फ और नद का मतलब होता है नदी। इसका मतलब होता है बर्फ की नदी, या आप साधारण भाषा में समझ सकते हैं ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ की वो विशाल चट्टान जो धीरे धीरे आगे की ओर खिसक कर छोटी बड़ी नदियों को पानी प्रदान करती है। इसके साथ हम आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, लाहौल का मणि महेश किस ग्लेशियर को कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गेफांग ग्लेशियर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो गेफांग है ना, ये चोटी भी है और गेफांग ग्लेशियर भी है। यह ध्यान देना है, एक है गेफांग गो चोटी, एक है गेफांग चोटी। इससे हम अब ये समझें, गेफांग नाम की दो चोटियां हैं और गेफांग एक ग्लेशियर भी है, और ये जो नाम है ये लाहौल स्पीति के देवता गेफांग के नाम पर रखा गया है। इसीलिए जो लाहौल के लोग हैं वो इस ग्लेशियर को लाहौल का मणिमहेश भी कहते हैं। इस गेफांग चोटी की जो आकृति है वो स्विट्जरलैंड की सबसे सुंदर चोटी मैटरहॉर्न जैसी दिखाई देती है। इस ग्लेशियर से संबंधी हमें इतना ज्ञान होना चाहिए। और कई बार प्रश्न आता है, गेफांग ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की कौन सी घाटी के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर होगा चंद्रा घाटी। इससे संबंधी जितने भी तथ्य थे वो मैंने आपको बता दिए, बस आप अच्छे से नोट्स बनाते चलें। इसके साथ हम आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर निम्न में से कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है ना, ये लाहौल स्पीति में स्थित है, और इस ग्लेशियर की जो लंबाई है वो 25 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 3 किलोमीटर मानी जाती है। यह ग्लेशियर लाहौल स्पीति के चंद्रा घाटी में स्थित है और यह ग्लेशियर चंद्रताल झील को पानी देता है, जहाँ से चंद्रा नामक नदी का उद्गम स्थान होता है, जो आगे चलकर तांडी नामक स्थान में भागा नदी से मिलती है और चिनाब नदी का निर्माण करती है। यहाँ पर मैं बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से संबंधी कुछ तथ्यों को बताना चाहूँगा। आप अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, ताकि परीक्षा में एक भी प्रश्न ग्लेशियर से संबंधी ना छूटे। कहा जाता है 1936 में इस ग्लेशियर ने चंद्रन घाटी में भारी तबाही मचाई थी और चंद्रताल झील का निर्माण करवाया था। चलो इसके साथ कुछ तथ्यों और देखते हैं। कई बार प्रश्न आता है कि बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर पर भ्रमण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आपका उत्तर होगा कैप्टन हारकोट, जो 1869 में आया था। उसके बाद 1958 में स्टीफेंस करके एक व्यक्ति आया था, और तत्पश्चात 1970 में मेजर बलजीत सिंह ने बड़ा शिगड़ी का भ्रमण किया था। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, छोटा ग्लेशियर कौन सी घाटी में स्थित है? यह है चंद्रा घाटी में, ठीक है। उसी प्रकार ध्यान देना है, बड़ा ग्लेशियर भी चंद्रा घाटी में है और छोटा ग्लेशियर भी चंद्रा घाटी में है। जो छोटा ग्लेशियर है वो बड़ा ग्लेशियर के बगल में है। इतना हमें चंद्रा घाटी और बड़ा ग्लेशियर के बारे में ज्ञान होना चाहिए। पेपर की दृष्टि से सभी तथ्यों अति महत्वपूर्ण है। इसके साथ हम लाहौल स्पीति के चंद्रा घाटी में स्थित ग्लेशियर को ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। इसकी ट्रिक कुछ इस प्रकार से है, चंद्रा ने गेफांग देवते के पास जाकर शिगड़ी में कुल्लुई नाटी लगाई।
चलो ट्रिक को ग्लेशियर के माध्यम से समझते हैं। जैसे लिखा है चंद्रा ने गेफांग, चंद्र मतलब चंद्रा घाटी की जो ग्लेशियर है, गेफांग, गेफांग मतलब गेफांग ग्लेशियर, देवता दौसे दिंगकर्मो ग्लेशियर, पास, पास का मतलब पाचा ग्लेशियर, फिर आता है शिगड़ी, शिगड़ी ध्यान देना है यहाँ पर दो शिगड़ी है, एक बड़ा शिगड़ी है और एक छोटा शिगड़ी है, और इस घाटी में शो नाम से शिफ्टिंग ग्लेशियर है और शिली ग्लेशियर है। उसके बाद देखते हैं ट्रिक में कुलवी नाटी लगाई, कौसे कुलवी कुल्टी ग्लेशियर। इस ग्लेशियर को आपने दो या तीन बार पढ़ना है, आपको ये सभी ग्लेशियर आसानी से याद हो जाएंगे। अगर आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ हम अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हिमाचल प्रदेश में लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर कौन से ज़िले में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लाहौल स्पीति। चलो द लेडी ऑफ केलोंग पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले हमें ज्ञात होना चाहिए द लेडी ऑफ केलोंग एक ग्लेशियर है, और द लेडी ऑफ केलोंग का नामकरण एक अंग्रेजी महिला लेडी एलशिंदे ने किया था, क्योंकि लाहौल में स्थित भागा घाटी में यह ग्लेशियर बर्फ पिघलने के बाद इसकी आकृति एक महिला जैसी दिखाई देती है, इसीलिए इसका नाम लेडी ऑफ केलोंग से नमाजा गया। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हिमाचल प्रदेश की चांसल चोटी पर कौन सा ग्लेशियर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चंद्रनान ग्लेशियर। यह ग्लेशियर शिमला जिले के रोहडू क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी में स्थित है। यह ग्लेशियर चंद्रनान झील का निर्माण करता है और पपन नदी का उद्गम स्थान इसी चंद्रनान झील से होता है। इतना हमें इस ग्लेशियर के बारे में ज्ञात होना चाहिए। इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हिमाचल प्रदेश में गारा ग्लेशियर किस नदी को पानी देता है? सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए गारा ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में स्थित है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो फोजल नदी ब्यास नदी की सहायक नदी है, पार्वती नदी ब्यास नदी की सहायक नदी है, लूनी नदी ब्यास नदी की सहायक नदी है, ब्यास नदी कुल्लू में बहती है, तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी सतलुज नदी, क्योंकि सतलुज नदी किन्नौर जिले से होकर बहती है। इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हिमाचल प्रदेश में सोना पानी ग्लेशियर लाहौल स्पीति के कौन सी घाटी में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा पतन घाटी जो लाहौल स्पीति में स्थित है, और जो सोना पानी ग्लेशियर है यह रोहतांग दौरे से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और 1906 में वालकर और पास्कोई ने सोना पानी ग्लेशियर का पहली बार सर्वेक्षण किया था। इसके साथ साथ हम पाटन घाटी की ग्लेशियर को भी देखते हैं, जो मुख्य तौर पर देखो एक ग्लेशियर होगा सोना पानी ग्लेशियर, दूसरा होगा पिराड ग्लेशियर, तीसरा होगा मियार ग्लेशियर, ठीक है। जो पिराड ग्लेशियर है ना, इसको टूटी हुई चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि स्थानीय भाषा में पिराड का मतलब होता है टूटी हुई चट्टान, और इस ग्लेशियर के साथ एक सुंदर सी गुफा भी है। रही बात मियार हिमनंद की, जो कि लाहौल की पाटन घाटी में स्थित है, इसकी लंबाई लगभग 12 किलोमीटर के आसपास है। इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, दुदौन ग्लेशियर किस नदी को पानी देता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पार्वती नदी। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मुलकिला और मियार जो ग्लेशियर है वो दोनों ग्लेशियर भी पार्वती नदी को पानी देते हैं। पार्वती एक ग्लेशियर भी है जो पार्वती नदी को पानी देता है। यहाँ पर ध्यान देना है दुदौन और पार्वती ग्लेशियर दोनों 15-15 किलोमीटर है। यहाँ पर जब हम कुल्लू की ब्यास नदी की बात करते हैं तो हमारे जेन में ब्यास कुंड ग्लेशियर आता है, और जो कि रोहतांग दर्रे के समीप स्थित है। कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है रोहतांग दर्रा कौन सी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है, तो इसका सही उत्तर होगा पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। इतना आपने ध्यान देना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ हम अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में शाशीन और थंगोपा हिमनंद कौन सी नदी को पानी देते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए चंद्रा नदी। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके साथ हम
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर किस नदी को पानी देता है? इसका सही उत्तर होगा चिनाब नदी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है वो हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और विश्व का दूसरे नंबर का बड़ा ग्लेशियर है। इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, मुल्किला ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश की कौन सी घाटी में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा बागा घाटी। इसके साथ हमें यह पता होना चाहिए बागा घाटी में और कौन कौन से ग्लेशियर हैं, जैसे बागा ग्लेशियर हो गया, दूसरा लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर हो गया, तीसरा मुल्किला ग्लेशियर हो गया। इसके अलावा बागा घाटी में कुछ छोटे ग्लेशियर हैं जिनका नाम कुछ इस प्रकार से है, मिलांग ग्लेशियर, गंगतांग ग्लेशियर इत्यादि। इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हिमाचल प्रदेश में बादल ग्लेशियर कौन सी नदी को पानी देता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रावी नदी। जैसे आपको पता है रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बड़ा बंगाल नामक जगह से निकलती है और बादल ग्लेशियर भी बड़ा बंगाल क्षेत्र में स्थित है, जो कि बादल नदी को पानी देता है और बादल नदी रावी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस प्रश्न के बारे में हमें इतना मालूम होना चाहिए और आज जो मैंने आपके सामने प्रश्न रखे थे वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। इसीलिए अंत में बस यही कहना चाहता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। नमस्ते।